Hello students, welcome to this channel. I'm your maths teacher. Today I'm class 10th CBSC NCERT book chapter introduction to trigonometry exercise 8.3 question 1 part 2 को हम यहाँ पे part 3 है ये part 3 को हम solve करेंगे. इस question के part 1 and part 2 को हम previous video में solve कर चुके हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें and उसको watch करने के बाद इस part को आप खुद ही से solve करने का try करें. आई होप आप लोग सॉल्व कर लेंगे क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है एंड मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको दिस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया है. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका इवेलुएट कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री. तो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री दोनों ही आपका ये जो एंगल्स दोनों के गिवन है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी मेथड आपको मैंने बता रखा है. अब देखिए 48 डिग्री एंड 42 डिग्री बोथ का हम सम कर लेते हैं तो ये 90 डिग्री आएगा आपका. ठीक है बच्चों, 90 डिग्री. अभी देखिए दोनों में से हम किसी एक को चेंज कर लेंगे, मैंने पहले ही बता रखा है. तो यहाँ पे आप 48 को चेंज कर लीजिए, 48 डिग्री को चेंज करेंगे ये 42 अनदर साइड पे जाएगा. 90 माइनस कितना हो जाएगा आपका 42 डिग्री हो जाएगा. ठीक है बच्चों, 90 माइनस 42 डिग्री. अभी क्या करिए 48 के रिप्लेस पे पुट कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री. अभी मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बता रखा है, फार्मूला जो होता है आपका कॉस 90 माइनस फोर थीटा सॉरी 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये मैंने आपको फार्मूला बता रखा है जो होता है साइन थीटा. 90 माइनस थीटा थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा. इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी का इस क्वेश्चन में. ठीक है बच्चों, चलिए इसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे हम. अभी देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन, तो साइन थीटा थीटा यहाँ पे 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है. ठीक है बच्चों, देखिए साइन 42 डिग्री पॉजिटिव यहाँ पे एंड माइनस साइन 42 दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों ही कट करके आपका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर आपका आ जाएगा क्या करना है जीरो. इवेलुएट करना है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री को. तो इसे इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले इसे हम लिख इसे नीचे एक बार राइट डाउन कर लेते हैं. कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, और ये देखिए आपका 31 डिग्री एंड 59 डिग्री दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स जिनका सम 90 हो या 90 से लेस देन हो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं. तो दोनों का देख लीजिए 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री बोथ इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है बच्चों, ये 90 डिग्री के इक्वल होगा. अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बता रखा है दोनों में से एक को आप क्या करेंगे चेंज कर देंगे. चलिए हम यहाँ पे कोसेक को चेंज कर देते हैं, यानी कि 31 को 31 की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं. 31 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री. ठीक है बच्चों, 31 के रिप्लेस पे हम क्या करेंगे इसको पुट कर देते हैं. चलिए पुट कर देते हैं कोसेक 31 के रिप्लेस पे 90 माइनस 59 डिग्री, माइनस में आपका ऑलरेडी चल रहा है क्या सेक 59 डिग्री. ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, कौन सा फॉर्मूला बता रखा है मैंने बता रखा है आपको कोसेक 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू सेक थीटा. ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे आप एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए सॉल्व कर देते हैं. अभी देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कोसेक 90 माइनस 59, 59 इज योर थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा सेक, सेक थीटा के रिप्लेस पे आ जाएगा 59 डिग्री, माइनस में है सेक 59 डिग्री. ठीक है बच्चों, कोई परेशानी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव हमने क्या कर दिया यहाँ पे कट कर दिया. अभी देखिए आपका जो आंसर है वो जीरो आ गया. ठीक है,